देखिए वहाँ तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट वगैरह हैं उनको इशारा करना पड़ा, तुम रोज़ सीबीआई ऑफिस में जाओगे, लोगों को भेजो, जहाँ तक मेरे को जानकारी है पिछले साल भर की, ईडी ऑफिस जाते हैं यहाँ पर लोग, झूठी शिकायतें करते हैं, मिली भगत से फिर वहाँ आवाज़ उठाते हैं वहाँ के एमपी वगैरह, और सीबीआई जाके जांच करने का प्रयास करती है। वहाँ मैंने देखा, अभी एक हमारे मिस्टर करोड़ी मीणा हैं, वो एक गए वहाँ पर मॉल में, गणपति प्लाजा में गए, नाम सा यही था, 500 करोड़ के यहाँ पर अंदर पैसा पड़ा, ब्लैक मनी पड़ा है यहाँ पर, वो बॉक्स क्या कहते हैं, क्या होता है, लॉकर मेरा है नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉकर नाम भूल गया, मेरी माँ के साथ में लॉकर था बचपन के अंदर, माँ के मरने के बाद में वो लॉकर बंद हो गया, इसलिए मेरे नाम भूल गया लॉकर का मैं, तो लॉकर में 500 करोड़ पड़े हैं। इतना भयंकर तूफान मचाया, ईडी पहुंच गई वहाँ पर। आप बताइए, एक कोई एमपी या कोई आम आदमी कहीं जाके बैठ रहा बैंक के बाहर, इसके अंदर ब्लैक मनी पड़ी है, 500 करोड़ की पड़ी है, ईडी पहुंच जाती है वहाँ पर। पहली बात तो पुलिस का काम है जाके तुम लॉ और स्थिति खराब मत करो, ये काम इनकम्प्लेंस का काम है, आप जाके इन्फॉर्मेशन दो, इनकम्प्लेंस को इन्फॉर्मेशन दो, मेरी जानकारी में आया पैसा पड़ा, वो आपको उनका हक है, धरना दे दो आप जाके, ईडी पहुँच जाए वहाँ, इनकम्प्लेंस पहुँच जाए, पता नहीं कौन कौन पहुँच गया वहाँ पर। ये मिली भगत है केंद्र सरकार की, ईडी की और उस एमपी साहब की, ये सब मिली भगत का खेल हुआ, अभी पूरा देश देख रहा उसको भी।